हेलो, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं हम इस चैप्टर में। तो यहाँ तक हो गया, हमारा क्या क्या रह गया है? क्लास डिविजन, ठीक है, फोर आश्रम अप्लाई, एजुकेशन पोर्टल, थोड़ा सा वहाँ का रहने का सिस्टम, इकोनॉमी कंपैरिजन, ठीक है। चलो देखते हैं। क्लास डिफरेंस आपके सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास की बात में हो रही है, ठीक है। लोगों की एक कैटेगरी बना दी उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उस अलग अलग कैटेगरी क्लास का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? दो द कास्ट सिस्टम इज नॉट मेंशन्ड एज एक वेद, बट द फैक्ट रिमेंस दैट इट इज अ सम काइंड ऑफ क्लास डिवीजन इन सोसाइटी। बेशक बेशक ऋग्वेद में कास्ट सिस्टम के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है, बट फिर भी एक पर फिर भी फैक्ट यही है कि वहाँ पर किसी ना किसी तरह से, जरूरी नहीं कास्ट के बेसिस पर किसी ना किसी तरह से वहाँ पर क्लास का डिवीजन था, सम काइंड ऑफ क्लास डिवीजन वहाँ पर था सोसाइटी में। द अर्ली आर्यन कॉल्ड द लोकल इनहेबिटेंट्स, जो अर्ली आर्यन थे उनको क्या कहा जाता था? लोकल इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट्स मतलब कि वहाँ के रहने वाले लोग, ठीक है। तो जो अर्ली आर्यन कॉल्ड द लोकल इनहेबिटेंट्स दस्युर एंड डिड नॉट मिक्स विद देम, ठीक है। तो जो अर्ली आर्यन जो लोग थे तो वो वहाँ, तो वो जिस जगह पर गए बेसिकली हमारे नॉर्थ इंडिया में आए थे सबसे पहले वो, तो उन्होंने वहाँ के रहने वाले लोगों को पता क्या बोला था? दस्युस, क्या बोला बोला था? दस्युस। ठीक है, एंड डिड नॉट मिक्स विद देम, और हम लोगों के साथ, हम लोग क्या होंगे, मैं बोलूँ दस्युस लोगों के साथ मिक्स नहीं हुए, यानी इन लोगों के साथ ग्रुप नहीं हुए। इट इज सेड दैट During this period, the tribal chiefs in the forest acquired a large share of booty and grow at the cost of the kinsmen, at the cost of their kinsmen. This resulted in social inequalities and the tribal society got divided into three groups, warriors, priest, and people. ठीक है, एक और यहाँ पर आया है, booty लिखो, booty। और एक बार लिखना क्या लिखा है, और एक है किंग्समैन। रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। बूट रख लिया, बूट ना रॉबरी, चोरी किया हुआ माल, चोरी किया हुआ माल, रॉबरी, RoBBERY। किंग्समैन लिखो, एंड एट द कॉस्ट ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ देयर किंग्समैन। किंग्समैन मतलब कैथेरी किंग्स, आपने वर्ड्स में रिलेटिव उन्हीं से मिलकर बना हुआ है ये भाई। इसका किंग्समैन का मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, रिलेटिव बोल हूँ नहीं, किथिन किन आपको पता ही है, रिलेशन नहीं, रिलेटिव लिख लो, रिलेटिव लिख लो, रिलेटिव, रिलेटिव लिख लो, ठीक है। रिलेटिव, ठीक है, लिख लिया आपने। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज सेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऐसा कहा जाता है कि इस पीरियड में, इस पीरियड में जो ट्राइबल चीफ थे और जो प्राइस्ट थे, उन्होंने एक्वायर किया, क्या एक्वायर किया? बहुत बड़ा शेयर, किस चीज़ का? चोरी के बीमार का, उन्होंने वो एक्वायर किया, एंड ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ देयर किंसमैन, और इस अपने शेयर को बढ़ाया, यानी और चोरी करते गए, चोरी करते गए कैसे? एट द कॉस्ट ऑफ देयर किंसमैन,
एट द कॉस्ट मतलब क्या, अपने रिलेटिव्स की कॉस्ट पर, अपने रिलेटिव की कॉस्ट को मतलब क्या, आप अपने रिलेटिव्स को सेक्रीफाइस करते गए, उनको मरवाते गए और ये चोरी का माल अपने पास लाते गए, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, अपने भाइयों का, अपने रिलेटिव का सेक्रीफाइस कर रहे थे और उनका बेनिफिट खुद ले रहे थे। तो दिस रिलेटेड सोशल इनइक्वालिटीज, इसकी वजह से थोड़ी इनइक्वालिटीज आ गई और ट्राइबल सोसाइटी की भी डिवाइड हो गई, वो तीन ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, वॉरियर्स, क्राइस्ट एंड दी नॉर्मल पीपल, ठीक है। और जो फोर्थ रिलीजन था, ये तो तीन की बात की है, और एक फोर्थ रिलीजन और था, फोर्थ रिलीजन वॉज कॉल्ड शूद्रास, एपियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। और ये जो फोर्थ जो डिवीजन बना, ये एट द एंड बना, एट द एंड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड बना, ठीक है। चार क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो ट्राइबल सोसाइटी के, वॉरियर, काइस्ट, नॉर्मल पीपल और शूद्र, ठीक है। बिकॉज द वर्ड शूद्र मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद, आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसके अंदर कुछ मंडला नाम के कुछ पोर्शन हैं, तो उसकी बात उसकी जगह रखता है। वो कह रहा है क्योंकि शूद्र जो वर्ड है ना, शूद्र जो वर्ड है वो ऋग्वेद में भी 10th पार्ट में जाके, 10th पार्ट में जाके मेंशन हुआ है, 10th मंडला में जाके क्या हुआ है, मेंशन हुआ है। दिस इज यूजली कंसिडर्ड अ लेटर एडिशन, जिसका बेसिकली मतलब क्या होता है, लेटर एडिशन, इसका मतलब ही कहता है ऐड करना, तो शुद्ध ऐड करना, तो शुद्ध का मतलब ही कहता है बाद में ऐड करने वाली चीज, तो इस डिवीजन को बाद में ऐड किया गया, तो इसका नाम ही क्या रख दिया गया उन्होंने, शुद्ध, ठीक है। ये कुछ क्लासेस है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पढ़ेंगे इनके बारे में, वही चीजें जो अभी हमने पढ़ा है। हावेवर सिंस दे मेनली पेस्टोरल एंड नॉट फूड प्रोड्यूसिंग, देर वॉज नो स्कोप फॉर कलेक्टिंग रेगुलर ट्राइब्यूट ट्राइब्यूट्स और टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। आपको क्या क्या वर्ड नहीं पता, अगर आपको पेस्टोरल का मीनिंग नहीं पता तो नोट कर लो, ट्रिब्यूट्स का मीनिंग नहीं पता तब वो नोट कर लो, पेस्टोरल लिख लिया, पेस्टोरल मतलब कैसे बताऊं, देहाती, कैसे बोलते देहाती को, आप कैसे बोलोगे देहाती को, आपको रूरल लिख रहा, रूरल गांव वाला, रूरल है ना, आर यू आर ए रूरल ना, पैसे होगा रूरल। ट्रिब्यूट लिख लो, हिंदी तो इसकी क्या होती है, श्रद्धांजलि, पर ताप पर यहाँ पर इसका मीनिंग है रिवॉर्ड से, रिवॉर्ड से पैसों से थे है ना, रिवॉर्ड से। वो कह रहे हैं हाँ वर्ड सिंस वॉज मेनली पेस्टोरल एंड नॉट फूड प्रोड्यूसिंग, बेशक वहाँ पर जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, कैसी थी इकोनॉमी, मेनली पेस्टोरल थी, पेस्टोरल क्या रूरल थी, नॉट फूड प्रोड्यूसिंग, और फूड प्रोड्यूसिंग भी नहीं थी, मतलब उस टाइम पर हम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस नहीं देते थे, ठीक है। एंड देर वॉज नो स्कोप फॉर कलेक्टिंग रेगुलर ट्रिब्यूट्स और टैक्सेस, तो वहाँ पर किसी भी तरह का पैसे पाने का कोई तरीका था ही नहीं, और दूसरा ट्रिब्यूट होता कोई रिवॉर्ड वगैरह भी नहीं मिलने का कोई चांसेस था ना, कोई टैक्स वगैरह मिलने का कोई सिस्टम था, कुछ नहीं था। इन द अर्ली वैदिक पीरियड, इन द अर्ली वैदिक पीरियड सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेस, अर्ली वैदिक पीरियड, इन द अर्ली वैदिक पीरियड सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। अब क्या हुआ, अर्ली वैदिक पीरियड में वो क्लासिफिकेशन तो किया गया, साथ ही में और क्लासिफिकेशन किए गए बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन, लोगों के प्रेफरेंस, प्रोफेशन के बेस पर क्या कर दिए गए, उनके क्लासिफिकेशन कर किए गए। एंड अ पर्सन कुड अडॉप्ट एनी प्रोफेशन, और कोई भी इंसान तो अपनी इच्छा से कोई भी प्रोफेशन चॉइस कर सकता है, एज इज एविडेंट फ्रॉम एन एक्सेप्ट ऑफ द ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद में एक एक्सेप्ट दिया हुआ है, एक्सेप्ट का मतलब समझो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक है ना, एक इंसिडेंस दिया हुआ है, उसी से अब मालूम पड़ती है कि एक पर्सन कोई भी एक प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है अपनी चॉइस का, ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। जैसे वो एक्सेप्ट, अब वो पैराग्राफ क्या, वो यहाँ पे दे रहा है
एक्सर्ट क्या है वो ये लिखा हुआ है, आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर मदर ग्रेन्स कॉर्न और इंश्योर, बींग ऑफ द सेम फैमिली वी आर एंगेज इन डिफरेंट पर्सन। तो लिखा हुआ है कि सब एक ही फैमिली के हैं लेकिन तीनों लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। बेटा पोइट है, फादर फिजिशियन है, मॉम क्या करती हैं, स्टोन वगैरह को ग्रिंड करती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि जो ये हैं वो इनका बेटा बने और जो ये हैं वो इनकी वाइफ करें, ऐसा कुछ नहीं। सब अलग अलग कर रहे हैं, सब अपनी चर्च का काम ही कर रहे हैं। तो ऐसा पता चलता है, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि पैराग्राफ, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रोफेशन विच बिकेम वेजिटेरियन को सकते हैं। हाँ लेकिन ऐसा क्या हुआ, लोगों ने स्टार्टिंग में तो प्रोफेशन कैसे चूज किया अपने मन से, लेकिन धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ टाइम ओवर द पीरियड वो क्या होंगे, हेरिटेरी बन गए। हेरिटेरी मतलब क्या, वही जो फादर कर रहा है वही बेटा कर रहा है, जो बेटा कर रहा है वही उनका बेटा कर रहा है, ये बन गया। और इसकी वजह से एक ही ऑक्यूपेशनल सीरीज बनती गई, एक ही ऑक्यूपेशनल क्लास बनती गई, और उसमें डिवाइड, और वो ये भी डिवीजन का एक रीजन बना कि एक फैमिली है जो डॉक्टर बन रही थी आज, तो अब वो डॉक्टर ही किया जाने सब, तो एक अब उनकी एक अलग क्लास हो गई। दिस रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ऑक्यूपेशनल क्लासेस, इस वजह से डिवीजन का क्लासिफिकेशन हो गया ऑक्यूपेशनल क्लासेस के लिए। ऑक्यूपेशनल क्लासेस में ग्रेजुअली दिस टुक द फॉर्म ऑफ कास्ट, धीरे अब ये क्लास का सिस्टम ऑक्यूपेशन से बढ़कर कास्ट में चेंज हो गया एंड द पेरेंट कास्ट सिस्टम इमर्ज, और जो आज का जो कास्ट सिस्टम है वो इमर्ज हो गया बन गया। द लेटर वैदिक पीरियड ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बिकेम फोर डिस्टिंक्ट कास्ट ऑफ वर्णास, वर्णास को मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कास्ट बोलते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में बताया गया कि ये चार तरह की कास्ट क्या हुई, डेवलप हुई, द ब्राह्मण और द प्राइस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स। ये आपको याद रखना है कि ब्राह्मण जो कैटेगरी थे हर किसी के अलग अलग काम थे, तो इनका काम बेसिकली क्या था, रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करना। क्षत्रिय इनका काम क्या था, फाइट करना। वैसे जिनका काम क्या था, बिजनेस देखना, यानी पैसा से रिलेटेड जितने भी काम थे वो सारे ये देखते थे, जियोग्राफर एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री। शूद्र क्या करते थे, अपर क्लासेस के लोग होते थे उनकी हेल्प करते थे, उनके उनको सर्व करते थे, ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ड्यूरिंग द लेटर वेदिक एज द कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड। वो कह रहा है कि ऐसे पर बताया जा चुका है कि लेटर वैदिक एज में जो कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड बन गया था, द ब्राह्मण क्षत्रिय एंजॉयड मेनी प्रिविलेजेस। जो ब्राह्मण से जो क्षत्रिय थे वो काफ़ी प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब स्पेशल राइट्स, प्रिविलेज मतलब क्या स्पेशल राइट्स को एंजॉय करते थे। द प्राइस्ट केम टू बी कंसिडर्ड एज गॉड्स ऑन द अर्थ, प्राइस्ट को तो धरती का भगवान माना जाता था, एंड केम टू बी रिगार्डेड एज द रूलिंग क्लास, और इनको रूलिंग क्लास से मान लिया, मतलब रूलिंग क्लास की तरह लोग समझने लगे धीरे धीरे उनको। ऑल द थ्री हायर वर्णास वर एंटर्ड इनटू ओपनेन, ओपनेन क्या होता है, एक ओपनेन भी एक रिचुअल है, ठीक है। कह रहा है ऑल द थ्री हायर वर्णास, ऑल द थ्री हायर वर्णास जो भी ऊपर की तीन हायर क्लासेस हैं कौन कौन सी, ब्राह्मण प्राइस्ट वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य है ना, शूद्र को छोड़ के, तो इन तीनों को राइट था क्या करने का, एंटाइल टू उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार पूरा वर्ड होता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, इस उपनयन को थोड़ा मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकता नहीं, या फिर आप कह सकते इन वेस्टिचर विद सेक्रेड थ्रेड अकॉर्डिंग टू द वैदिक मंत्र। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कुछ हो रहा है तो नहीं, चार आश्रम की बोधी हुई है, ठीक है। ओपनिंग संस्कार में क्या होता है, बेसिकली पूजा होती है एक पूरा, और एक धागा बांधा जाता है, ठीक है। और मान जाते हैं कि वो धागा कैसे बनाता है, वैदिक मंत्रों के अकॉर्डिंग, ठीक है ठीक है। तो बस ये जो है सिस्टम, ये केवल ये जो पूरा करने का तो राइट था, जो अपने जो परफॉर्मेंस है बेसिकली करने का तो राइट था, केवल तीन अपर हायर क्लासेस को था, उन तीन हायर क्लासेस को ही था, शूद्र वाली कास्ट को नहीं था ये वाला सिस्टम।
बेनिफिट अलाउड है ना। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इनको जो प्राइस थे वो क्या मान लगा, गॉड्स ऑफ द अर्थ, गॉड्स ऑफ द अर्थ है ना, और ये क्या बन के बाद में रूलिंग क्लास से बन गए। द फोर आसन्स, फोर आसन्स का मतलब यहाँ पे स्टेजेस से है कि हर इंसान की लाइफ में चार स्टेजेस होती हैं, चार स्टेजेस होती हैं, उन चार स्टेजेस को इन्होंने यहाँ पे आश्रम का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन दी अर्ली वैदिक पीरियड, इन दी अर्ली वैदिक पीरियड मैन ग्रो अप अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्रेडिशन। इंसान जो बड़ा होता अपने फैमिली के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बड़ा होता था। सर इसका मतलब क्या, आगे देखते हैं समझते हैं। हाउएवर इन द लेटर वैदिक पीरियड द होल लाइफ स्पैन ऑफ एन आयरन केम टू बी डिवाइडेड टू फोर पीरियड्स। ओहो, वो कह रहा है आप डिफरेंस समझाए, वो कह रहा है कि अर्ली अगर वैदिक पीरियड की ओके तो वहाँ पर इंसान अपने ऐसे ही बड़ा होता था नॉर्मली, फिर कोई कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो हर इंसान की जो पूरी लाइफ होती थी, पूरी लाइफ वो हर आयरन की जो पूरी लाइफ होती थी वो कोई इस तरह से डिवाइड होती थी कि उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। वो लोग इस तरह से लाइफ एंजॉय करते थे, इस तरह से लाइफ जीते थे कि उनको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। द फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ, उनको हम क्या बोलते हैं, फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ, उन्हीं को हम स्टेजेस बोलते हैं। तो वो लिखा हुआ है जिन जो स्टेजेस ऑफ लाइफ जो होती हैं उन्हीं को क्या बोला गया है, आश्रम ऑफ आश्रम बोला गया, फोर आश्रम, ईच ऑफ 25 ईयर्स ड्यूरेशन, यानी हर स्टेज 25 ईयर्स की, यानी ऑब्वियसली होते हैं इन्होंने एज मान के रखी 100 ईयर्स, तो उस टाइम पर लोग जी ले जाते हैं 100 ईयर्स, आज के टाइम पर नहीं जी पाते। द फोर आश्रम से आपको याद रखना पड़ेगा ड्यूरेशन। ठीक है, द फोर आश्रम्स आर, सर वो चारों आश्रम कौन कौन से हैं। पहला आश्रम, पहली जो स्टेज होती है वो ब्रह्मचर्य की, दूसरी गृहस्थ जीवन, दूसरा वनप्रस्थ, एंड लास्ट वन आपका जो है संन्यास। आपने ये पहले ही पढ़ रखे होंगे। ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ते हैं जरा। ब्रह्मचर्य लास्टेड अप टू द एज ऑफ 25 ईयर, लास्ट मतलब रहना, लास्ट मतलब यहाँ पे क्या रहना, लास्टेड अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। वो कह रहे हैं जो ब्रह्मचर्य होता है वो 25 ईयर्स तक रहता है ना। सर क्या करते हैं इस स्टेज में, इस पीरियड में, इन 25 साल में, ड्यूरिंग दिस पीरियड द पपिल वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्वायर नॉलेज इन दी गुरुकुल एंड ऑब्जर्व द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, पपिल मतलब स्टूडेंट, पपिल मतलब यहाँ पे स्टूडेंट से शिष्य है ना, जो स्टूडेंट होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है क्या कि वो क्या करें, नॉलेज एक्वायर करें, यानी वो क्या करें, पढ़ें बेसिकली। वो क्या करें, ये 25 साल उनके लिए किस लिए होते हैं, पढ़ने के लिए। ठीक है, कहाँ पर पढ़ेंगे, गुरुकुल में पढ़ेंगे, अपने स्कूल में पढ़ेंगे, और क्या करें, डिसिप्लिन सीखें, डिसिप्लिन में रहना भी सीखें। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गृहस्थ आश्रम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गृहस्थ आश्रम मेन वॉज सपोज टू मैरी एंड रेज अ फैमिली, एंड फिर क्या लिखा हुआ, एज अ हाउस होल्डर ही वॉज टेक रिस्पॉन्स, ही वॉज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग हिज फैमिली। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 25 टू 50। ठीक है, वो कह रहे हैं इस पीरियड में इंसान को क्या करना चाहिए, मैरी करे, फैमिली रेज करे अपनी, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और ये जो पीरियड चलता है वो 25 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक चलता है, ये भी 25 ईयर्स ही हो गए। तो थर्ड स्टेज बॉज वन प्लस, नाम से शायद आप समझ रहे होंगे उसका क्या मीनिंग है। ये लास्ट करती है 50 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स तक। क्या करता था इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड मेन वाज एक्सपेक्टेड टू रिटायर, रिटायरमेंट वाली स्टेज है, लेकिन रिटायर कहाँ से, ऑफिस से नहीं, रिटायर फ्रॉम दी वर्ल्डली लाइफ ट्रेजर्स, वर्ल्डली लाइफ ट्रेजर्स एंड एक्वायर स्पिरिचुअल फिलोसफिकल नॉलेज। आपको वर्ल्डली लाइफ ट्रेजर्स जो है वो छोड़ देने हैं, एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय, नॉर्मल एक सिंपल
कोई प्लेजर नहीं, कोई मोह नहीं, कोई कुछ नहीं, एक नॉर्मल लाइफ और एक स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल नॉलेज एक्वायर करनी है। फिर लास्ट आती है संन्यास, यहाँ पे तो आप पूरा वर्ल्ड रिनाउंस कर दोगे। द लास्ट स्टेज वॉज संन्यास आश्रम। ये पीरियड है रेनेंसेशन का। रेनेंसेशन मतलब क्या? यहाँ पर तो आपने केवल लाइफ छोड़ी, यानी घर छोड़ा है, जंगल मंगल में आप चले गए, सन्या वह है ना, जंगल मंगल में आप चले गए केवल किसी ना किसी है ना नॉलेज वगैरह के लिए, आप घर से निकल के केवल। यहाँ पे कह रहा है घर से तो आप निकले ही निकले, साथ में आपने जितने प्लेजर्स उठे ना उन सभी को आपने छोड़ दिया। बस सिंपल से ज़्यादा सिंपल लाइफ, मैन हैड टू लिव एवरीथिंग फॉर एवर, उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है हमेशा के लिए। एंड गोइंग टू मेडिटेशन, उसको कहाँ क्या करना पड़ता है, मेडिटेट करना पड़ता है ताकि वो क्या कर सकें, मोक्ष प्राप्त कर सकें। और मोक्ष इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोक्ष हिंदी का संस्कृत का वर्ड है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्वेशन। ठीक है, हो सकता है आपने ये पहले ना अंपायर डिटेल नहीं पढ़े हो, क्योंकि मेरे ध्यान है सेवेंथ क्लास में है, आई थिंक एट्थ क्लास में भी नहीं, सेवेंथ क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ाया गया, बहुत डिटेल। और क्योंकि ऑलरेडी सेवेंथ एट्थ क्लास में डिटेल डिटेल में पढ़ा चुके हैं, इससे डिड नॉट एक्सपेक्ट या फिर उन्हें इंपॉर्टेंस को ज़्यादा, ये नाइन्थ क्लास में उसको ज़्यादा डिटेल पढ़ाया, तो नाइन्थ क्लास बहुत शॉर्ट में पढ़ाया, बहुत शॉर्ट में ये। तो हो सकता है कि आपने पहले बहुत डिटेल पढ़ चुका हो, बड़ी बात नहीं है। हेडिंग ही चेंज हो गई बिल्कुल। ठीक है, अभी की जनरल बात कर रहे हैं एजुकेशन की, उस पीरियड में एजुकेशन का क्या सिस्टम था। एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड थ्रू प्राइवेट गुरुकुल्स। एजुकेशन का आप क्या समझते थे, गुरुकुल्स होते थे, गुरुकुल्स में पढ़ाई कराई जाती थी। ठीक है, द रेजिडेंस ऑफ द गुरु, द रेजिडेंस ऑफ द गुरु कॉल्ड द गुरुकुल। सर गुरुकुल कैसे कहते हैं, गुरुकुल की डेफिनेशन बता रहा है कि जहाँ पर गुरु रहते हैं उसे गुरुकुल कहते हैं, रेजिडेंस ऑफ गुरु, जहाँ पर गुरु रहते हैं उसे गुरुकुल कहते हैं, मीनिंग द फैमिली ऑफ द गुरु। इसका मतलब क्या है, फैमिली ऑफ द गुरु हैड बिकम द मोस्ट सेक्रेड इंस्टीट्यूट, उसको बहुत पवित्र जगह माना जाता था। द गुरुकुल्स आर ऑफन लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, बेसिकली शहर के बिल्कुल बाहर होते थे एकदम, एंड इवन इन फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में स्टूडेंट लिव्ड देयर। द गुरु ट्रीटेड हिज स्टूडेंट्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, गुरु अपने उन स्टूडेंट्स को ट्रीट करते थे अपने बच्चों की तरह। द स्टूडेंट वॉज रिक्वायर्ड टू डू हाउस होल्ड कोर्स एंड चोर्स फॉर हिज टीचर। बच्चों से उम्मीद क्या रहती थी, बच्चों को जरूरत थी क्या कि वो अपने टीचर के घर के भी काम करें। ठीक है, ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक अ बाथ एंड चेंट द वैदिक मंत्र, सुबह जल्दी उठना है, नहाना है और पूजा करनी है, वैदिक मंत्रों को क्या करनी है, चेंटिंग करनी है। मोस्ट ऑफ द टीचिंग वॉज डन ओरली, सारी की सारी जो टीचिंग होती थी ओरली होती थी, वहाँ ज़्यादा नोटिंग का काम नहीं होता था, समझाया जाता था और बच्चे उनको स्टोर करते थे। ठीक है, माइंड में सुनकर ही, लिख कर नहीं, उनको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता था। ठीक है, एक बार सुना याद हो गया उन्हें। एट द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन आर स्टूडेंट यूज टू गिव गुरु दक्षिणा, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो स्टूडेंट क्या करते थे, अपने गुरु को एक फीस देते थे, बेसिकली जिसको गुरु दक्षिणा बोलते हैं, अ गिफ्ट टू हिज टीचर, है ना, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ करा उनके लिए, इतने पीरियड तक पढ़ाया उन्हें, तो उनको रिटर्न कुछ गिफ्ट दो, तो गुरु दक्षिणा दे देते थे। द गुरुज वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड एंड रिवर्ड, एंड रिवर्ड टीचरों की काफ़ी रेस्पेक्ट किया जाती थी। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एजुकेशन वॉज टू ब्रिंग अवर फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्ट जो था एजुकेशन का वो क्या था कि वो फिजिकल स्ट्रॉन्ग बने, मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बने। द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी इंक्लूड द वेद, पुराण, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लॉजिक, मिलिट्री एंड सेमी मिलिट्री साइंस, ये सारे सब्जेक्ट होते थे। टू वुमेन टीचर्स नेम्ड मैत्रेयी एंड गार्गी वर कंसिडर्ड गिफ्टेड एंड वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड। रुको रुको, टू वुमेन टीचर्स नेम्ड मैत्रेयी एंड गार्गी वर कंसिडर्ड गिफ्टेड एंड वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड। ठीक है, बता तुम लोग कह रहे हैं, अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं,
ये दो जो लाइन लिखी उसका मीनिंग मैं आपको बताऊँ क्या लगा हुआ है। दो वुमेन टीचर थी जिनका नेम क्या है, मैत्री एंड गार्गी। मैत्री एंड गार्गी कंसिडर किया जाता है कि उनको गिफ्ट किया गया है, कंसिडर किया गया कि वो गिफ्टेड है, कंसिडर किया गया कि वो गिफ्टेड है, एंड उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट भी की जाती है, उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट भी की जाती है। ठीक है, ठीक है, ये हमने नोट मार्किंग कर लिया, चलिए आपको करनी है तो कर लो एक बार इसको। स्क्रीनशॉट लेने की आदत ज़्यादा बंद कर देना अगर आप लेते हो तो। ठीक है, नोट कर रहा हूँ, करा रहा हूँ तो नोट करो, अगर मार्किंग करो तो मार्किंग करो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो, ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ही लॉस कर, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे तो कोई बात नहीं, लगा लो। फूड ड्रेस एंड एम्यूजमेंट, उस टाइम पे लोग कैसा खाना खाते थे, कैसे ड्रेस पहनते थे, किस तरह से एम्यूजमेंट करते थे, नहीं किस तरह से अपना टाइम पास करते थे। द मेन सीरियल प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल पीपल वॉज बार्ले। वो कह रहे हैं अगर मेन जो अनाज था सीजन, मतलब अनाज तो मेन जो अनाज था खाने के लिए जो ऋग्वेदिक पीरियड के लोग बना प्रोड्यूस करते थे, वो केवल क्या था, बार्ले। वो केवल क्या था, बार्ले। वो क्या था, बार्ले। वीट एंड राइस वर नॉट नोन टू देम, वीट और राइस के बारे में तो उस टाइम पे जानते भी नहीं थे। हाउएवर इन लेटर वैदिक टाइम्स देयर इज एविडेंस ऑफ यूजिंग राइस, है ना। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड की बात की है, अभी की बात नहीं, लेटर की बात कर रहे हैं, तो लेटर पीरियड की बात की है तो वहाँ पे एविडेंस ऐसा मिला है हमें कि हाँ वो लोग राइस खाते थे, और वो राइस को क्या नाम देते थे, व्री। क्या बोलते थे, व्री, काउज। और डोमेस्टिकेटेड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, बटर, घी एक्सेट्रा वर यूज्ड। सो मा अ काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक वाज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनी। आई थिंक ये जो सोमा है ना, ये सोमा नहीं, सोमरस एक वर्ड आया है संस्कृत से, ये वो है। ठीक है, मतलब कि इसको ज़रा देख लो। वो कह रहे हैं ये तो मैंने बताया था कि जो मेन जो उनका अनाज था जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे, वो केवल क्या था, बार्ली, है ना। वीट वगैरह के बारे में जानते नहीं थे। ठीक है, बट एविडेंस ये है कि जो लेटर पीरियडिक टेंस था वहाँ पर राइस यूज किया जाता था, और ज़्यादातर यहाँ पे क्या होते थे, काउ के डोमेस्टिकेट, काउ डोमेस्टिकेट की जाती थी, और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की जाते थे, यूज किए जाते थे। ठीक है, सुमा भी यूज किया जाता था, है ना, सुमा भी यूज किया जाता था कब, या तो फेस्टिवल या फिर रिलीजियस सेरेमनी हो। ठीक है, द क्लोथ फॉर वर सिंपल, कपड़े सिंपल पहनते थे। दे कंसिस्टेड ऑफ एन अंडर गारमेंट कॉल्ड नीवी और धोती, वो एक अंडर गारमेंट पहनते थे जिसको नीवी या फिर धोती बोलते हैं। एंड अपर पीस कॉल्ड वासा और शर्ट, और अंदर को अदर अपर पार्ट जो होते थे उसको वासा या फिर शर्ट बोलते हैं, वो पहनते थे। एंड ओवर गारमेंट ही पहनते थे, वो नून एज अधिवसा, अधिवस, अधिवस बोलते थे ना, अधिवस,
अधिवस बोलते थे अधिवस। आई लूज पीस ऑफ क्लोथ मैन वोर है ना, और आई लूज पीस ऑफ क्लोथ लाइक है ना, मैन वोर टर्बन, पगड़ी को कहते हैं ठीक है। क्या क्या पहनते थे, काफी सिंपल लोग थे, क्या पहनते थे, नेवी और धोती या फिर बोलते तो बासा और शर्ट, और एक अधिवासा और एक टर्बन ठीक है। देर वर कस्टम्स ऑफ वियरिंग एनिमल स्किन्स, तो क्या एक रीति रिवाज थी क्या पहनने की, क्या एनिमल स्किन्स भी पहनोगे। सम ऑफ द साधु हार्बिट जो होते थे वो डियर स्किन नोन एज मृक्षल है ना, कस्टम था कि आप एनिमल्स के स्किन पहनोगे। तो कुछ साधु वगैरह ऐसे होते थे, तो साधु ऐसे होते थे तो क्या करते थे, पहनते थे, क्या पहनते थे, डियर के स्किन से बना हुआ कुछ है ना, जिसको अब वो किसको क्या बोलते हैं, मृग छल, मृग छल, मृग मतलब डियर, अच्छल मतलब उसकी स्किन से जो बना हुआ है ठीक है। मैन क्या पर लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर रखते थे, इसके बाद कह रहे हैं मैन की, वुमेन की नहीं मैन की। ऑर्नामेंट्स और बॉर्न बाय बोथ, ऑर्नामेंट्स दोनों पहनते थे, तो बोथ मैन एंड वुमेन जो कि सब नहीं होते थे, गोल्ड से, सिल्वर से, एवरी से, प्रेशियस स्टोन से। सम ऑफ द कॉमन आइटम्स ऑफ ज्वेलरी व इयररिंग्स, तो कॉमन, अगर मैं कॉमन आइटम्स की बात की जाए तो कॉमन आइटम्स सबके, इयररिंग्स, रिंग्स, एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं एट्सेट्रा, वो भी कह लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। द मेन मीन्स ऑफ एम्यूजमेंट इन बोथ दी वेदिक पीरियड वॉर चैरियट रेसेस, वो कह रहे हैं अगर मीन्स ऑफ एम्यूजमेंट देखा जाए, टाइम पास करने का तरीका देखा जाए, तो दोनों ही वेदिक पीरियड में थे, अर्ली हो चाहे लेटर हो, वो क्या था, चैरियट रेसेस, घोड़ा रेसेस, घोड़ा रेस भी सकते हो, हॉर्स, हॉर्स रेसेस है ना, सिंगिंग, हंटिंग, यानी मेन मीन्स ऑफ जो एम्यूजमेंट थे बाबू क्या क्या थे। चैरियट रेस, रथ पर बैठकर या सिंगल सिंगल घोड़े पर बैठकर डांसिंग, या फिर सिंगिंग, या फिर हंटिंग। द चीफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर द ड्रम, फ्लैट एंड मिडेंग एंड द ल्यूट, पीपल पार्टिसिपेट इन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स एंड गेम्बलिंग ओके। फिर बात करें कि चीफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पर, चीफ म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ड्रम है, फ्लूट है, मृदंग है, ल्यूट है ठीक है। लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे किसमें, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में, फेस्टिवल्स में, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ, सब कितना रह गया, एक तो रिलीजियस बिलीफ को करते हैं, बाकी हम, अरे तो बहुत बड़ा है ये चीज, बिलीफ काफी बड़ा है, चलो करते ही हैं और क्या, पैराग्राफ में डिवाइड कर करके पढ़ेंगे ताकि इजी रहे। द पीपल इन द वेदिक एज, द पीपल इन द वेदिक एज वर सेप्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, ये आप शायद पहले ही पढ़ चुके होंगे कई बार, कि पहले पहले लोग फोर्सेस ऑफ नेचर की क्या करते हैं, पूजा कर देते हैं, यानी कि बेसिकली ना नेचर की पूजा करते थे, नेचर को भगवान मानते थे, दे पर्सोनिफाइड दिस नेचुरल रिसोर्सेज। बाद में उन्होंने नेचुरल फोर्सेस को क्या करे, पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सोनिफाई मतलब क्या, एक स्पेसिफिक पर्सन बना डाला है ना, एंड लुक्ड अपॉन देम एज लिविंग बीइंग, मतलब कोई एक लिविंग बीइंग की तरह वो समझने लगे, टू होम दे गेव ह्यूमन और एनिमल एटीट्यूड, इनको उन्होंने या तो ह्यूमन की या फिर एनिमल की एटीट्यूड दी, जैसे कि राम जी हो गए ह्यूमन के एटीट्यूड दे दिया, गणेश जी हो गए उनको ह्यूमन प्लस एनिमल दोनों के एटीट्यूड दे दिए गए है ना। तो ऐसा अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स आर मेंशन द ऋग्वेद, ऋग्वेद को अगर आप खोल के देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको भगवान के नाम दिखाई देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दिस गॉड्स वर, अब इनमें से इम्पोर्टेंट क्या थे, वो कौन कौन से थे,
इंद्रदेव हमारे हो गए, टू हम 250 हिम्स आर डिवोटेड इन दी ऋग्वेद। ओहो, जिनको तो इतना ही है ना ये। हाँ, जिनको जिनके लिए ऋग्वेद में 250 भजन लिखे हुए हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज पुरेंद्र, पुरंदर है ना, और द ब्रेकर ऑफ फोर्स, ब्रेकर ऑफ फोर्स, एंड जितेंद्र अ विनर। इनको इतने सारे नाम बोले जाते हैं। इनको अभी क्या बोलता है, बारिश का भगवान, रेन गॉड भी बोला जाता है। वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेनफॉल। ओके, दूसरे हैं अग्निदेव, द फायर गॉड। ही इज रिगार्डेड एज द इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड द मैन। इनको एक इंटरमीडियरी माना जाता था, इंटरमीडियरी माना जाता है कि भगवानों को इंसानों की बातचीत करने आने का काम करते हैं। और ही कंज्यूम्स द सेक्रेड स्पेशल ऑफरिंग्स एंड कैरीज देम टू द गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। वो कह रहे हैं ये क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए वो सेक्रीफिशियल ऑफरिंग्स लेते थे। यानी अगर इंसान को भगवान से कुछ मांगना है, इंसान को अगर भगवान से कुछ मांगना है तो वो कैसे मांगे। तो आपने देखा होगा लोग पूजा वगैरह करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, तो वो यज्ञ का यही पर्पस था। वो अग्निदेव को बुलाते थे और अग्निदेव से को अपना मैसेज देते थे, और अग्निदेव वो मैसेज भगवान के पास लेकर जाते थे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि लेकिन इस काम के लिए अग्निदेव भी क्या करते थे, सेक्रीफिशियल ऑफरिंग लेते थे। यानी वो भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करवा देते, वो भी कुछ ना कुछ उनसे लेते थे। ठीक है, आपको पता ही होगा। और फिर वो कह रहे हैं वो उस ऑफरिंग को कैसे लेके आते थे, इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। वो भगवान के पास वो कैसे लेके आते थे, इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, उसको पूरा जलाकर। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाय वरुण देव, द गॉड ऑफ वाटर, क्लाउड, ओशन, रिवर। ही डिटरमाइंस द पाथ फॉर ऑल स्टार देवर। वो क्या करते हैं, वो रास्ता डिसाइड करते हैं। स्काई में जितने भी स्टार्स हैं, हेवी में जितने भी स्टार्स हैं, उन सभी का रास्ता ये डिटरमाइन करते हैं। ऑल्सो रिगार्डेड एज द आप होल्डर ऑफ नेचर एंड कॉस्मिक ऑर्डर। अगर आपको नेचर सही रखवाना है तो ये मानना पड़ेगा, ये नेचर को अपहोल्ड करने में, अपहोल्ड करने वाले माने जाते थे। नेचर को मेंटेन करना तो इनके हाथ में है। और सर ये तो मेन हो गए, तो मेन हो गए, पर ये थोड़ी है। ये तो बहुत सारे देर वर बहुत सो मैनी, लाइक वायु देव, द गॉड ऑफ विंड है ना, सूर्यदेव, द सन गॉड, यम है हम, द लॉर्ड ऑफ डेथ, डेथ बोल दो बेसिकली, रुद्रदेव, गॉड ऑफ स्टोन, बहुत सारे हैं। सम गॉडेसेस, अगर गॉडेसेस की बात की जा रही है, सम गॉडेसेस वर ऑल्सो वर्शिप्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल गॉडेस वॉज उषा, द गॉडेस ऑफ डॉन, डॉन सुबह को बोलते हैं, अली सुबह को बोला जाता है उषा। ठीक है, द अदर इम्पोर्टेंट फीमेल डाइटीज वर पृथ्वी, धरती में हमारी पर्सनिफिकेशन ऑफ द अर्थ है ना, एक थी अदिति, द ग्रेट मदर ऑफ गॉड, जो देवताओं की माँ मानी जाती हैं, रात्रि, द स्पिरिट ऑफ नाइट, अरण्यानी, द लेडी ऑफ फॉरेस्ट, दिसम, द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन। बहुत सारे सारे नेचर के ही नाम है, आपको पता है ना, तो सब प्रूफ होता है कि ये सारे क्या करते हैं, जिन्होंने नेचर को क्या कर दिया, पर्सनिफाई कर दिया लोगों ने। हाउएवर इन द लेटर वैदिक एज, प्रजापति द क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा बिकेम द सुप्रीम गॉड, एंड इंद्र एंड अर्जुन वाज द फॉर्मर सुप्रीम। अब अगर लेटर वैदिक एज की अगर बात की जाए, बता दो अर्ली वैदिक एज की, लेटर वैदिक एज की बात की जाए तो प्रजापति,
द क्रिएटर या फिर ब्रह्मा बिकेम द सुप्रीम गॉड। लॉर्ड ब्रह्मा को सबसे बड़ा माना जाने लगा एंड बिकेम द सुप्रीम गॉड। प्रजापति द क्रिएटर बोलो या फिर कोई तो ब्रह्मा बोलो, ये बिकेम द सुप्रीम गॉड। इंद्रदेव या फिर अग्निदेव जैसे जो टॉप थ्री जो हमने नाम पढ़े थे, उन्होंने क्या किया, अपनी सिग्निफिकेंस खो दी। फिर लॉर्ड विष्णु आए एंड केम टू बी रिगार्डेड एज द प्रिजर्वर। एंड प्रोटेक्टर है ना ऑफ द पीपल। एंड जो थर्ड है वो है आपकी क्या सेवा एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। एंड ये तीन मेन गॉड बने, ठीक है। और जो गॉड की जो फुल फॉर्म है लोगों ने याद करने के लिए भी ऐसे बताया, लोगों ने बताया कि गॉड की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। जी फॉर जनरेटर, जी फॉर जनरेटर जिन्होंने प्रोड्यूस किया, जनरेटर क्रिएटर भी बोल सकते हो, जनरेटर, ठीक है। यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा वो मतलब क्या, ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब क्या, आप ये कैसे प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करते हैं, लॉर्ड विष्णु। और डी मतलब क्या, डिस्ट्रॉयर। इन गॉड में तीनों गॉड आ गए, विदेव जिसको हिंदी बोलते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स, अच्छा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारा। इकोनॉमी तो कल पढ़ेंगे, हम यहाँ तक पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स तक। सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स विद अ रिलीजियस एवोल्यूशन सिंपलिसिटी ऑफ नेचर वर्सेस वाज लॉस्ट। वो कह रहे जैसे जैसे रिलीजियस एवोल्यूशन होता रहा जो सिंपलिसिटी थी नेचर वर्सेस की वो लॉस्ट होती गई। रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस बिकेम अ डेली रूटीन। रिचुअल्स वगैरह तो क्या होंगे, डेली के रूटीन बन गए। बिसाइड्स द यजनास परफॉर्म द किंग्स द कॉमन पीपल परफॉर्म स्मॉल यजनास ड्यूरिंग विच मिल्क घी ग्रेन फूड फॉर ऑफर टू द डाइटीज। वो कर दिए यज्ञ वगैरह कर देते हैं, जो यज्ञ वगैरह कर देते हैं बेसिकली, तो किंग करता हूँ अभी, कौन पीपल करते हैं छोटे छोटे यज्ञ, तो उनके उनमें क्या होता है ड्यूरिंग विच, क्या होता है ड्यूरिंग विच मिल्क हुए घी हुए ग्रेन से फूड से ये सारी चीज़ें ऑफर किया करती है भगवान, ठीक है। द रिच पीपल एंड बिजनेस मैन कंडक्टेड बिगर सेक्रीफाइस और बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे ड्यूरिंग सच योजना से। पुरोहित से जैसे गोल्ड, ये गोल्ड वगैरह भी देते थे, एक्सपेंसिव क्लोथ वगैरह भी देते थे, लार्ज नंबर ऑफ काउज भी देते थे एज गिफ्ट, ठीक है, जिसको दक्षिण भी बोलते हैं। गिविंग दक्षिण वॉज ऑल्सो रिचुअल, दक्षिण देना भी क्या था, एक रिचुअल था। एंड अ पाइस ड्यूटी, और एक पवित्र एक बहुत ऊंचे लेवल की एक हाई लेवल की मानी जाती थी ड्यूटी मानी जाती थी। रिचुअलिज्म हैड गेंड स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड इवन अ स्मॉल डेविएशन व्हाइल परफॉर्मिंग सर्टेन वर्सेस वाज कंसीडर्ड सिन। वो कह रहे हैं रिचुअलिज्म यानी रिचुअल को परफॉर्म करना, तो इस चीज़ ने तो अपना अपनी जड़ जमा ली थी, यानी तो बहुत तो बड़ी बात हो गई थी इस टाइम तक। तो अगर कोई इंसान छोटा सा भी डेविएशन करे, यानी अगर 50 तरह के रिचुअल है, अगर वो एक भी भूल जाए या एक आध गलती से गलत भी कर दे, उसको नहीं पता, तो उसको पाप माना जाता था, वॉज कंसिडर्ड अ सिन, ठीक है। न्यू डॉक्ट्रिन्स, न्यू डॉक्ट्रिन्स में लिखा है नए नए प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स में लिखा है थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। द ब्राह्मण्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट मेनी इनोवेशन, ब्राह्मण्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो क्या लेके आए, बहुत सारे इनोवेशन वगैरह लेकर आए, न्यू डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व करें, किसके रिगार्डिंग, बेसिकली वर्शिप के रिगार्डिंग। मोर एम्फेसिस वॉज लेड ऑन पेरेंट्स ना, दैट इज तपस्या। तो सब उन्होंने कहा कि सब तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई, सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया गया वो किस पर दिया गया, पेरेंट्स, पेरेंट्स का तपस्या करना, ठीक है। विच बिकेम रिचुअलिस्टिक, और जो जो कि बाद में क्या होंगे रिचुअल, ये भी बाद में रिचुअल बन गया। द न्यू डॉक्टर्स इंक्लूड द डॉक्टर ऑफ कर्मा धर्म मोक्ष, ये चीज़ भी आई। तो सबसे पहले क्या पेनेंस का तपस्या, फिर क्या आपके डॉक्टर ऑफ कर्मा, डॉक्टर ऑफ धर्म, डॉक्टर ऑफ मोक्ष। द ब्लिस इन रीबर्थ, और रीबर्थ गिनती रूट्स हैं ना। कंसिक्वेंटली ऑल दीज इनोवेशन स्ट्रेंथन दैट पोजिशन ऑफ ब्राह्मण, इन सभी की असर, इन सारे कामों को कर रहे हैं तो एक पंडित की जरूरत होगी ना, आपके ब्राह्मण की जरूरत तो होगी, तो इनके पोजिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि इनके बिगड़ते सारे काम हो ही नहीं सकते भगवान वाले। द ब्राह्मण और सेट टू हैव डिवाइन पावर्स, माना जाता है कि ब्राह्मण के पास क्या है, देवी ताकतें हैं, डिवाइन पावर्स तो हैं।
नो रिचुअल रिलीजियस सेलिब्रेशन बट कमेंट्स डाउट द प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण। कोई भी जो मैंने भी बताया था कि कोई भी रिलीजियस या फिर रिचुअल सेलिब्रेशन जो होगा वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता है विदाउट विदाउट प्रेजेंस ऑफ दिस पीपल। इन लोगों के प्रेजेंस के बगैर कोई भी काम स्टार्ट हो नहीं सकता। यही तक करते हैं, अभी 2 पीस रह गए, कल हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे आपको लाइव क्लास में। होमवर्क देखते हैं, होना चाहिए हमारा होमवर्क बहुत सारा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, हाउ डिड ट्रेड बिकम अ फाइबर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ, ये तो हमने ट्रेड वाला पढ़ा ही नहीं हमने। अच्छा वो इकोनॉमी के अंदर आएगा ना, इसलिए इन द फोर आश्रम्स से सी का डिफेंडर सब कुछ करोगे आप इसमें। स्टेट ब्रिटिश चेंज दैट अकर्ड इन द पोजिशन ऑफ ब्राह्मण इन द लेटर, ये आपको रखना है, अभी पढ़ के आए हैं। स्टेट इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट टू प्लेस इन द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम द, ये तो आप डिफरेंस पूछ रहे थे और डिफरेंस टेबल रह गई है वहाँ से पढ़ ले कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट द मैथ ऑफ सब मिनिमम एक्सप्लेन द ब्रेक ऑफ रिलीजन, ये आप इसे पॉजिटिव सब लिख सकते हो। आवर स्टेट मैनेज नहीं एंड के एंसर एजुकेशन पर्सन बिलोंगिंग टू आश्रम, ये आप कर सकते हो। लाइफ इन दिस एंसर एजुकेशन आप देख सकते हो। व्हाई डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्टडी एजुकेशन सेटअप इन दिस एजुकेशन सेटअप इन दिस, मतलब क्या इस तरह के जो गुरुकुल होता था तो उस गुरुकुल में रहने के या उस गुरुकुल में रहकर पढ़ने के आपको क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज लगते हैं वो आपको रखना है। ये बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको अपने थॉट्स से रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और थॉट्स रिप्रेजेंट करने से पहले आपको कल को समझना पड़ेगा, ठीक है। बस ठीक है, कल चैप्टर को खत्म हो जाएगा।